डी न्यूज दरभंगा बिहार के खबर स्पेशल में आप देख रहे हैं। ये विद्यालय दरभंगा जिला के गोराबोराम प्रखंड के मोंगरा गांव का प्राथमिक विद्यालय है, जहां 10-10 शिक्षक होने के बावजूद भी मात्र 2 से 3 शिक्षक ही विद्यालय का दर्शन करते हैं। पर्याप्त मात्रा में भवन होने के बावजूद भी बच्चे विद्यालय परिसर में खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ने को मजबूर है। पूछने पर आप भी जाने विद्यालय के शिक्षक के कथनी और करनी को। डी न्यूज के लिए कैमरामैन प्रमोद के साथ मैं एम राजा। आपको दिया गया एचएम का, क्या आपको इसकी जानकारी थी? सर आपको जानकारी दी थी, फोन से जब बात की तब पता चला कि जो बगैर आपके जानकारी के आपको आज का पदभार दे दिया गया। जी, आपको पता भी नहीं था कि मुझे आज एचएम बनाया गया है। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक हैं? 10। 10 में कितने प्रजेंट हैं अभी? सर तो 3 है प्रजेंट। 3 प्रजेंट है। 3 कितने बजे आए हैं? 1 आए हैं सर, 11 बजे। 1 आए हैं 11 बजे। अभी जो आप इनका इंडिकेट बता रहे हैं, एकता कुमारी कितने बजे आई? 11 बजे। तो फिर आप कैसे उसके प्रजेंट बता रहे हैं? अभी पूछा ना सर, 11 बजे पूछा था इसीलिए। आपके विद्यालय में बच्चे बाहर में पढ़ रहे थे, इसका कारण? टीचर का अभाव था सर। टीचर फिलहाल तो आप 2 थे जी, एक तालीमी मरकज भी थे जी, उसके बावजूद भी आप लोग बाहर में पढ़ा रहे थे, क्या कारण था? क्या नाम है आपका? तो जैसा कि आपने डी न्यूज के माध्यम से देखा, कैसे सहायक शिक्षक को एचएम शैलेंद्र कुमार यादव के द्वारा प्रभार सौंपा गया, कैसे अभिभावक इन शिक्षकों के सहारे अपने बच्चों के भविष्य को सवार पाएंगे जब शिक्षक खुद ही विद्यालय से फरार चल रहे हों। जिला